Welcome back everyone. Today, I am there to teach you some new cursive letters. Last time, we learned Amma monkey and Anna nose. What comes after N? It is O. It is O. What is the sound of letter O? It's O. 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 Orange. O. O. Orange. आपको पता है ऑरेंज एक फ्रूट भी होता है और ऑरेंज एक कलर भी है. और दूसरे कौन से वर्ड शुरू होते हैं ओ से? ओ ऑक्टोपस. ओ ऑक्टोपस. और ओ आउल. आउल इज अ नाइट बर्ड. आउल क्या होता है? नाइट बर्ड होता है. फिर ओ ओरिगामी. आप पेपर बोट बनाया था आपने, उसमें मैम ने आपको बताया था ना कि आप ओरिगामी पेपर भी ले सकते हो. कलरफुल कलरफुल स्क्वायर शेप के जो पेपर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिगामी पेपर्स. ओके, तो सबसे पहले हम लोग ओ करेंगे आपकी वर्कबुक में जो दिया गया है पेज नंबर 6 to 62 पे. लो, दिस इज कर्सिव ओ. ओ ऑरेंज. ओ ऑरेंज. सबसे पहले हम लोग करेंगे उसका ट्रेसिंग, फिर हम लोग लिखेंगे नीचे लाइंस में. ये आपका हो जाए, फिर आपको ये जो नेक्स्ट पेज है दैट इज पेज नंबर 6363 आपके होमवर्क की तरह फिनिश करना है. उसके बाद हम लोग लिखेंगे ओ आपकी नोटबुक में. चलो शुरू करते हैं. This is page number 6 to 62 of your English workbook, where I am going to teach you how to write cursive O. This is cursive O. O A orange. O A orange. First of all, we will trace it. Look, kids. For making cursive O, first of all you need to make cursive C. Make a cross line, C, then make a O, then take a small turn and take out the tail which should touch the first blue line. Okay? O, orange. फिर से दिखाती हूँ कैसे करना है. Cross line बनाओ, C बनाओ, फिर उसका ओ बना के एक टर्न लेके एक छोटा सा सर्कल बना के एक टेल निकाल दो जो फर्स्ट ब्लू लाइन को टच होनी चाहिए. ओ ऑक्टोपस. क्रॉस लाइन सी ओ टर्न और एक टेल. ओ ऑरेंज. क्रॉस लाइन सी ओ टर्न एंड अ स्मॉल टेल. ओ आउल. ओके, इसी तरह से आपको ये जो दूसरे ओ है वो सारे ट्रेस करने हैं. अब मैं आपको दिखाऊंगी ओ को लाइंस के बीच में कैसे लिखते हैं. फॉर राइटिंग कर्सिव ओ वी विल यूज टू ब्लू लाइंस. ये फर्स्ट वाली और ये सेकेंड वाली टू ब्लू लाइंस हम लोग यूज करेंगे. देखिए, क्रॉस लाइन बनाइए, फिर सी करिए, ऊपर ले जाके ओ फिनिश करिए और यहाँ से एक टर्न लेके एक टेल निकाल के फर्स्ट ब्लू लाइन को टच कर दीजिए. ओ ऑरेंज. क्रॉस लाइन सी ओ टर्न एंड टेल. ओ ओवन. ओवन होता है ना मम्मा जिसमें केक बेक करती है. फिर से बनाएंगे क्रॉस लाइन सी
O turn and a tail. O a owl. Cross line. C O turn and a tail. O a orange. आपको पता है ऑरेंज खाने से विटामिन सी मिलता है. इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. आपको इसी तरह से ये पूरा पेज कर्सिव ओ का फिनिश करना है. वंस दिस इज डन यू हैव टू फिनिश पेज नंबर 6363 एज योर होमवर्क पेज. नाउ वी विल राइट इन योर नोटबुक. Now we will write cursive O in the notebook. Cursive O start करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे. ओके आज है 15th July. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मार्जिन वाले बॉक्स में 1, 5, 15. फिर करेंगे एक क्रॉस लाइन. फिर जुलाई मंथ के लिए लिखेंगे 7. फिर करेंगे दूसरी क्रॉस लाइन और ईयर के लिए लिखेंगे 2020. दिस इज 15th July 2020. ओके नाउ आई विल शो यू हाउ टू राइट कर्सिव ओ. फॉर राइटिंग कर्सिव ओ 2 ब्लू लाइन्स ही यूज होगी. सबसे पहले हम लोग कर्सिव सी बनाएंगे. देखिए क्रॉस लाइन सी ओ टर्न लेके एक छोटी सी टेल जो फर्स्ट ब्लू लाइन को टच होनी चाहिए. ओ ऑरेंज ओ ऑरेंज क्रॉस लाइन C O turn and a short tail. O O octopus. O O octopus. सबसे पहले बनाएंगे क्रॉस लाइन, फिर C बनाएंगे. सी का फिर ओ बना के ऊपर से एक छोटा सा टर्न लेके उसकी एक टेल निकाल देंगे जो कहाँ पे टच होनी चाहिए? फर्स्ट ब्लू लाइन को. ओ ओ ऑक्टोपस क्रॉस लाइन सी ओ टर्न एंड अ शॉर्ट टेल. आपने देखा मैं ओ बना के जो टर्न लेती हूँ तो यहाँ से एक छोटा सा सर्कल फॉर्म होता है. ये सर्कल एकदम प्रॉपरली दिखना चाहिए. फिर से करते हैं क्रॉस लाइन सी ओ टर्न एंड अ टेल. ओ ओ ओवल शेप. ओवल शेप होता है ना. क्रॉस लाइन सी ओ टर्न एंड अ टेल. ओ अ ऑरेंज क्रॉस लाइन सी ओ टर्न एंड अ टेल. ओके किड्स लास्ट टाइम हम लोग करते हैं, फिर पूरा पेज आपको खुद करना है. देखिए सबसे पहले क्रॉस लाइन बनाइए, सी बनाइए, ओ बनाइए, एक टर्न लीजिए और एक छोटी सी टेल निकाल दीजिए जो फर्स्ट ब्लू लाइन को टच होनी चाहिए. दिस इज कर्सिव ओ. आपको इसी तरह से कर्सिव ओ का पूरा पेज फिनिश करना है.
The next letter of today is P. It is P for penguin. P for penguin. The sound of letter P is P. Look, कितना क्यूट है ना ये पेंगुइन. ओके, और कौन से वर्ड्स होते हैं? पी प पैरट. पैरट होता है ना, बर्ड होता है ना पैरट. फिर पी प सबका फेवरेट पिज्जा. देन पी प पास्ता. सबको अच्छा लगता है ना पिज्जा और पास्ता, ये तो दोनों आपकी फेवरेट चीजें पी से शुरू होती है. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कर्सिव पी आपकी वर्कबुक में जो दिया गया है पेज नंबर 2929 पे. लुक किड्स, दिस इज कर्सिव पी. पी पा पिलो. पी पा पिलो. पिलो क्या होता है? हम लोग जब सो जाते हैं तो जिस पे हमारा सिर रख के सो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पिलो. सबसे पहले करेंगे हम लोग कर्सिव पी का ड्रेसिंग, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कैसे कर्सिव पी लिखते हैं. ये पेज आपका हो जाए उसके बाद आपको पेज नंबर 3030 फिनिश करना है आपकी होमवर्क की तरह. ओके, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे नोटबुक में. लेट्स डू इट. दिस इज पेज नंबर 2929 ऑफ योर इंग्लिश वर्कबुक, जहाँ पे कर्सिव पी दिया गया हुआ है. दिस इज पी प पिलो. पी प पिलो. सबसे पहले हम लोग करेंगे ड्रेसिंग. कर्सिव पी लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे फोर लाइंस. ये जो टू पिंक लाइंस है वो, और टू ब्लू लाइंस है वो, फोर लाइंस हम लोग यूज करेंगे. ओके, लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट अ क्रॉस लाइन फ्रॉम द सेकेंड ब्लू लाइन. से क्रॉस लाइन शुरू करो, उसको ले जाओ फर्स्ट पिंक लाइन तक, वहाँ से एक लंबी स्टैंडिंग लाइन लो. ओके, फिर वापस ऊपर जाके एक उल्टा यू करो और उसकी एक टेल निकाल दो. ये बन गया हमारा कर्सिव पी. पी प पिलो. पी प पिलो. लुक, क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वापस ऊपर जाके टू ब्लू लाइंस में एक उल्टा यू बना के उसकी एक टेल निकाल दो. पी प पैरट. पी प पैरट. क्रॉस लाइन बनाओ सेकेंड ब्लू लाइन से फर्स्ट पिंक लाइन तक. एक लंबी सी स्टैंडिंग लाइन बनाओ जो नीचे वाले पिंक लाइन को टच होनी चाहिए. वापस ऊपर आओ, उल्टा यू करके एक टेल. पी प पॉपकॉर्न. ओके, फिर से दिखाती हूँ. क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन, गो अप, उल्टा यू बना के उसकी एक छोटी सी टेल. पी प पेज. मैं आपको बोलती हूँ ना कि आपको ये वाला पेज नंबर ओपन करना है, तो दैट इज पी प पेज. अब मैं आपको बताऊंगी कर्सिव पी लाइंस के बीच में कैसे लिखते हैं. देखिए किड्स, यहाँ पे ये डॉट दिया गया हुआ है, वहाँ से सबसे पहले बनाएंगे एक क्रॉस लाइन जो जाएगी हमारी पहली पिंक लाइन तक. फिर उसी क्रॉस लाइन से करेंगे एक स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन करके वापस ऊपर जाएंगे टू ब्लू लाइंस के बीच में एक उल्टा यू बना के
उसकी टेल निकाल देंगे। पी पा पिलो, पी पा पिलो। डॉट से क्रॉस लाइन बनाइए, क्रॉस लाइन से एक लंबी सी स्टैंडिंग लाइन लीजिए, स्टैंडिंग लाइन से उल्टा वापस जाइए और टू ब्लू लाइंस के बीच में एक उल्टा यू करके उसकी एक टेल निकाल दीजिए। पी पा पॉपकॉर्न, क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन, उल्टा यू एंड अ टेल। पी पा पैरट, क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन, उल्टा यू एंड अ टेल। पी पा पास्ता, एक और बार दिखाती हूँ। सबसे पहले ये डॉट से करेंगे क्रॉस लाइन, फिर इधर से एक स्टैंडिंग लाइन नीचे लेके जाएंगे दूसरी पिंक लाइन तक, वापस ऊपर जाके टू ब्लू लाइंस के बीच में उल्टा यू बना के एक शॉर्ट टेल निकाल देंगे। पी पप पैरट, क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन, उल्टा यू एंड अ शॉर्ट टेल। पी पा पेंसिल, आप लोग जिससे लिखते हो उसको क्या बोलेंगे? पेंसिल। ओके किड्स, आपको इसी तरह से ये पूरा पेज फिनिश करना है। वंस आपका ये पी वाला पेज हो जाए, पेज नंबर 2929, उसके बाद आपको टर्न करना है और पेज नंबर 3030 आपके होमवर्क के पेज की तरह आपको फिनिश करना है। अब हम लिखेंगे कर्सिव पी नोटबुक में। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू राइट कर्सिव पी इन द नोटबुक। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कर्सिव पी लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फोर लाइंस। फर्स्ट टू पिंक लाइंस, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, और टू ब्लू लाइंस। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक क्रॉस लाइन जो शुरू होनी चाहिए सेकेंड वाली ब्लू लाइन से। क्रॉस लाइन, वहाँ से एक लंबी स्टैंडिंग लाइन लीजिए जो दूसरी पिंक लाइन तक जानी चाहिए। वापस ऊपर जाइए फर्स्ट ब्लू लाइन तक, उल्टा यू बना के उसकी छोटी सी टेल निकाल दीजिए। ये बन गया हमारा कर्सिव पी। पी प पेंगुइन, क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन, गो अप, उल्टा यू एंड अ टेल। पी प पैरट, क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन, गो अप, उल्टा यू एंड अ टेल। पी प पास्ता, क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन, गो अप, उल्टा यू बना के उसकी एक टेल निकाल दीजिए। पी प पेंसिल, और टीचर जो आपकी बुक चेक करती है रेड कलर से, या आपकी बुक में टीचर ब्लू कलर से लिखती है, तो वो किससे लिखती है? वो होती है पेन। देखिए, क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन, गो अप, उल्टा यू बना के उसकी एक टेल निकाल दो। पी प पेन, क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन,
go up cross line standing line go up ulta u and tail p paw palm ये जो है ना ये हमारा पाम होता है दिस इज कॉल्ड अवर पाम क्रॉस लाइन स्टैंडिंग लाइन गो अप उल्टा यू एंड टेल पी पा पिंक पिंक क्या है पिंक इज अ नेम ऑफ अ कलर फिर से दिखाती हूँ आपको क्रॉस लाइन बनाइए एक लॉन्ग स्टैंडिंग लाइन कीजिए वापस ऊपर जाइए यू बना के उसकी एक छोटी सी टेल निकाल दीजिए ओके ऐसे करते हैं कर्सिव पी आपको समझ में आया ना आपको इसी तरह से ये पूरा पेज फिनिश करना है Today we learned two letters that were O R orange and P P penguin. Remember to do the homework and practice all the other subjects also. Okay then, bye. See you soon.